चुनाव हो गला के बाद जीत जाते हैं, उसके बाद किसी को कुछ करते नहीं है। सरकार थोड़ा सा सहायता करेगा तो बहुत हो जाएगा। नीतीश कुमार कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं 15 साल में। लेकिन ये सब नेता लोग जब बन जाते हैं तो कुछ नहीं, देखने तो आते ही नहीं। नीतीश सरकार का ही अच्छा लग रहा है। अभी तो पप्पू यादव सबसे बढ़िया चल रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी, आई थिंक हम लोग उनके साथ जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रगति राज और आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी पार्टी के नेता अपने अपने अंदाज में जनता को रिझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन चुनाव के बाद कई सारे नेता ऐसे भी हैं जो इन वादों को भूल जाते हैं। इसी सिलसिले में हम आए हैं लोगों से जानने के लिए कि कौन से वो नेता हैं जो एक्चुअली में विकास की बात करते हैं, जो एक्चुअली में ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं लोगों की राय। विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में जो है बहुत सारे नेता वो लोगों को निर्जाने का काम करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो अपने वादे भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से नेता हैं जो एक्चुअली में विकास की बात करते हैं, जो काम करते हैं? ऐसे सभी पार्टी के नेता हैं जो सब इसी तरह के काम करते हैं। चुनाव आता है तो सबको रिझाने का काम करते हैं और लम्बा चौड़ा वादा करते हैं, लेकिन चुनाव हो गला के बाद जीत जाते हैं, उसके बाद किसी को कुछ करते नहीं हैं। और ऐसा सभी पार्टी में नेता है, कोई ऐसा नेता अभी तक तो नज़र में नहीं आ रहे हैं जो काम करने वाले हैं। अभी तो चल रहा है, जैसे चल रहा है ऐसे नहीं ठीक चल रहा है, सरकार ठीक नहीं चल रहा, बड़ी दिक्कत है। लॉकडाउन देखें, लॉकडाउन में हम लोग को धजिया उड़ गए, अकेले आदमी है नहीं, पूरा परिवार के साथ है। हम लोग के लिए प्रदेश है ये पटना, हम लोग के लिए प्रदेश है। सरकार थोड़ा सा सहायता करेगा तो बहुत हो जाएगा हम लोग के लिए। हम लोग कितना करेंगे, कमाइए को ऊपर कर सकते हैं, बाहरी पैसा का आमदनी है नहीं, पैसा है। चार भाई है तो चार भाई अपने अपने देखे मन में सब बाजल है, कौन किस को देखता है। सरकार देखे अब क्या उम्मीद है कि चेंजे हो जाएगा, तो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पहले से ही जनता को रिझाने का काम करती है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद वो भूल जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन से ऐसे नेता हैं जो एक्चुअली में विकास की बात करते हैं, जो काम कर रहे हैं, अब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1990 से हम लोग देख रहे हैं गरीबों का नाम पे वोट लेने वाले लालू यादव 15 साल शासन किया, खुद अमीर हो गए। नीतीश कुमार कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं 15 साल में। अभी हम लोग का नया विकल्प है राजपा, राष्ट्रीय जनजन पार्टी आशुतोष कुमार की, अभी हम लोग उन पर वोट देंगे क्योंकि वो सबको लेकर चल रहे हैं, वो सबको लेकर चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को जोड़ रहे हैं। तो अभी एक मौका उनको देंगे, देखते हैं वो विकास करते हैं कि नहीं, तो फिर नोटा लास्ट ऑप्शन है नोटा। इलेक्शन के बाद मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी होती है, इलेक्शन से पहले जो पब्लिक से आम जनता से जो वादा होता है वो हर पार्टी भूल जाती है इलेक्शन में आने के बाद। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी पार्टी के बारे में ये कहना कि वो आएगा ना, वो पार्टी आने के बाद आपके लिए या जनता के लिए कुछ करेगी, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है ऐसा। ये काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ इस तरह का। विधानसभा इलेक्शन जब आने वाला है तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जनता को रिझाने में लगी हुई है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी भूल जाती है कि हमने कुछ वादा भी किया था। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल पार्टी या नेता हैं जो एक्चुअली में काम कर रही है, जो मतलब कुछ जनता के लिए कोई काम कर रही है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? सारे नेता तो वही हैं जो बोलते हैं सो करते हैं नहीं। इससे पहले भी बोला गया था बहुत सारे चीज़ वादे करते हैं जो पूरे नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पहले बोला गया था कि हम ये फैक्ट्री खुलाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, फलान ढिकानी सब कुछ भी, बहुत सारे चीज़ उम्मीद कर दिए जाते हैं, इस सहारे हम लोग वोट दे देते हैं कि चलो कुछ होगा, गरीब का भला होगा। लेकिन ये सब नेता लोग जब बन जाते हैं तो कुछ नहीं, देखने तो आते ही नहीं है क्या कौन का क्या कौन क्या कर रहा है, देखने तो आते ही नहीं पलट करके पीछे क्या हो रहा है, बस वो अपना ही सोचते हैं। सारे नेता वही है, सब वही सोचते हैं, अपना ही सोचते हैं। काम तो मुझे नीतीश सरकार का ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जो भी था वो पहले का तो सरकार मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था, अभी जो काम 15 साल से हो रहा है वो प्रॉपर काम हो रहा है और मुझे नीतीश सरकार ही अच्छा लगता है, इसलिए मेरा वोट नीतीश सरकार को ही जाएगा। अभी तो पप्पू यादव सबसे बढ़िया चल रहे हैं, इसलिए कि बाढ़ में जो जल जमा हुआ था उसने यहाँ पटना में बहुत लोगों को बढ़िया हेल्प किए और मदद की।
नीतीश कुमार को ही हम लोग बराबर देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, और लेकिन कई जगहों पे वो फेल भी हुए हैं। जैसे रोड वगैरह में काफ़ी अच्छा जा रहे हैं, लेकिन नौकरी देने में काफ़ी पीछे हैं वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम लोग एक नई पार्टी आने वाली है प्लूरल्स करके, पुष्पम प्रिया चौधरी, आई थिंक हम लोग उनके साथ जाएंगे। तो जैसा कि सुना आपने कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि कोई भी पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है, वादा करके वो लोग भूल जा रहे हैं, तो वही कुछ लोग नीतीश सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं किसी का कहना है कि पप्पू यादव ने पिछले साल बाढ़ में बहुत काम किया था और इस साल कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि जो नई पार्टी आ रही है प्लूरल, उनको वो सपोर्ट करना चाहेंगे। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।